दिया घोड़ा चढ़ाया था, तो एक औरत ने उसको उठा के अपने घर पर ले गई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा सुनवाई में आता है। तो जो वो उठा के ले गई थी, फिर उसके बाद वो औरत आंखों से अंधी हो गई थी। वो अंधी क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में दोस्तों, मैं आपका दोस्त हंस कुमार, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज एक पीर बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि एक पंजाब का एक पीर बाबा है और जो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो शुरू करते हैं। मैं जो आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये खेतों के एकदम बीच में बनाया गया है, देखिए चारों ओर यहाँ पे खेत ही खेत है और एकदम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं। लेकिन यहाँ की एक श्रद्धा है जो आपको मैं एक राज की बात बताऊँगा। यहाँ पे एक बहुत पुरानी बात है कि जब यहाँ पे सभी की मन्नत पूरी होती थी, हम भी प्रसाद चढ़ाने आए, देखिए ये रहा प्रसाद, अगरबत्ती और गुलदाना, जलेबी का जो गुलदाना होता है वो यहाँ पे चढ़ता है, श्रद्धा उसकी है। और पहले तो आपको हम यहाँ पे प्रणाम करते हैं। आप जो ये मेरे पीछे पीर देख रहे हैं, ये झाड़ी वाला पीर है और ये पंजाब के एक दाता, जो दाते से भिंडरा रोड जाता है उस पे ये पड़ता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या बात खास है और किस लिए ये पीर प्रसिद्ध है यहाँ पे। दोस्तों खुशी की बात यह है कि देखिए यहाँ पे चारों ओर हरियाली खेती है और ये काफ़ी, ये हमारे जो पीर बाबा का धाम है वो काफ़ी ऊँचाई पर है। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं, देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, थोड़ी जूम करना, देखिए काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी है और ये चारों ओर पेड़ों से ढका हुआ है। ये जो हमारे बाबा का मंदिर है, पीर है, ये चारों ओर से ढका हुआ है और यहाँ पे दूर दूर से बंदे आते रहते हैं। मैं आज यहाँ पे बंदे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इनका दिन कुछ और होता है और आज आया हूँ मैं कोई और दिन, जुमेरात वाले दिन आया जाता है यहाँ पे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी जो भी समस्या आपको बताए और आप यहाँ पे आए, बाकी धन्यवाद आपको। और जो यहाँ की है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हकीकत है। वो स्टोरी ऐसी है कि एक बंदे ने यहाँ से, जो किसी का, एक बंदे का यहाँ पे पंजाब में किसी बंदे का, ये हमारे पीर बाबा हैं जो जाड़ी वाले, तो इन्होंने किसी का भला किया था कि उनको औलाद नहीं थी कि उनको औलाद देती थी, तो उस आदमी ने यहाँ पे एक चांदी का घोड़ा चढ़ाया था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो चांदी का घोड़ा कहाँ पर है, शायद यहाँ पे है या फिर बंदों ने उसके उठा के, जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने उठा के उसको कहीं और पे शिफ्ट कर दिया और फिर यहाँ पे ऐसा दुर्घटना ना हो तो ही ठीक है। तो ऐसी बात थी कि जो हमारे पीर बाबा है यहाँ पे चांदी का घोड़ा चढ़ाया था, तो एक औरत ने उसको उठा के अपने घर पर ले गई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा सुनवाई में आता है। तो जो वो उठा के ले गई थी, फिर उसके बाद वो औरत आंखों से अंधी हो गई थी। वो अंधी क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे उसने बाबा जी के घर चोरी कर ली थी। जब आपके घर में कोई चोरी करेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा भाई, तो हमारे बाबा जी को जब भी गुस्सा आया था, और वो जब तक उन्होंने वापस वो चांदी का घोड़ा वापस नहीं रखा तब तक वो ऐसे ही रही, और जब तक, जब उन्होंने यहाँ पे रख दिया तो तुरंत की तुरंत ठीक हो गई थी, और इसे ही भैया चमत्कार कहते हैं। दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिस भाई को भी यहाँ पे आना है पीर जाड़ी वाले पीर बाबा पे, वो आ सकता है और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू।